नमस्कार, मेरा नाम रचना महाजन है और मैं दुबई की निवासी हूँ। मैं एक स्कूल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है दृष्टिकोण। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर प्रीति शारदा का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। फ्राइडे फेबल्स से मैं उसकी पहली कहानी से ही जुड़ी हुई हूँ। मुझे ध्यान है जब डॉक्टर प्रीति शारदा ने मुझे ये बताया कि वो कुछ इस तरह का फोरम बनाना चाह रही हैं जहाँ पर कहानियाँ बांटी जाएंगी, तो मन को बहुत खुशी हुई कि हिंदी साहित्य से जुड़ने का एक मौका मिलेगा। आज मैं जो ये कहानी पढ़ने चाह रही हूँ उसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम मुँह में आते ही दिमाग में तो सबसे पहले यही कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ही गूंज उठती है। लेकिन कवयित्री होने के साथ साथ वो एक लेखिका भी थी और आपको मालूम है कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में उनके अपने व्यक्तित्व की एक झलक मिलती है। तो आइए सुनते हैं कहानी दृष्टिकोण। निर्मला विश्व प्रेम की उपासिका थी। संसार में सबके लिए वो सबके लिए उसके भाव समान थे। उसके हृदय में अपने पराया का भेदभाव नहीं था। स्वभाव से ही वो मिलनसार, सरल, हंसमुख और नेक थी। साधारण पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी में शायद मैट्रिक पास थी, परंतु हिंदी का उसे अच्छा ज्ञान था। साहित्य के संसार में उसका आदर और काव्य कुंज की वो एक मनोहारिणी कोकिला थी। निर्मला का जीवन बहुत निर्मल था। वो दूसरों के आचरण को सदा भलाई की ही नज़र से देखती थी। यदि कोई उसके साथ बुराई भी करने आता तो निर्मला यही सोचती, कदाचित उद्देश्य बुरा ना रहा हो, भूल से ही उसने ऐसा किया हो। पतितों के लिए भी उसके हृदय उदार और क्षमा का भंडार था। यदि वह कभी किसी को कोई अनुचित काम करते देखती तो भी वह उसका अपमान या तिरस्कार नहीं करती थी। प्रत्युत मधुरतर व्यवहारों से ही यह उन्हें समझाने और उनकी भूल उन्हें समझा देने का ही प्रयत्न करती थी। कठोर वचन कह के किसी का जी दुखाना निर्मला ने नहीं सीखा था, किंतु इसके साथ ही वह जितनी नम्र, सुशील और दयालु थी, उतनी ही वह आत्माभिमानी, दृढ़ निश्चयी और न्यायप्रिय भी थी। नौकर चाकरों के प्रति कभी निर्मला का व्यवहार बहुत दयापूर्ण होता था। एक बार की बात है, उसके घर की एक कहारिन ने तेल चुराकर एक पत्थर की आड़ में रख दिया। उसकी नीयत यह थी कि घर जाते समय वो बाहर के बाहर चुपचाप लेती जाएगी। किसी वकार्यवश रमाकांत जी, जो उसी समय वहाँ पहुँच गए, तेल पर उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने पुकार कर पूछा, निर्मला, यहाँ तेल किसने रखा है? निर्मला ने पास ही खड़ी कहारिन की ओर देखा। उसके चेहरे की रंगत स्पष्टता बता रही थी कि यह काम उसी का है, किंतु निर्मला ने पति को जवाब दिया, मैंने ही रख दिया होगा, उठाने की याद नहीं रही। पति के जाने के बाद निर्मला ने कटोरे में जितना तेल था उतना ही डालकर कहारिन को दिया और बोली, जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े मांग लिया करो, मैंने कभी देने से इनकार नहीं किया। जो प्रभाव कदाचित डांट फटकार से भी ना हो पड़ता था, वह निर्मला के इस मधुर और दयापूर्ण बर्ताव से पड़ा। बाबू रमाकांत जी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। थे तो वह डबल MA, एक कॉलेज के प्रोफेसर, साहित्य सेवी और देशभक्त, उज्जवल चरित्र के नेक और उद्दार सज्जन, पर फिर भी पति पत्नी के स्वभाव में बहुत विभिन्नता थी। कोई चाहे सच्चे हृदय से भी उनकी भलाई करने आता तो भी कुछ ना कुछ बुराई जरूर देख पड़ती। वह सोचते, इसकी तह में अवश्य ही कुछ भेद है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, तभी तो ये भला मानस दिखना भला
भल मानस, तभी तो ये भल मनसाहत दिखाने आया है, नहीं तो मेरे पास आकर इसे ऐसे बात करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। पतितों को वो बड़ी घृणा से देखते थे, उनकी हंसी उड़ाते, गिरने वाले को एक धक्का देकर वो और गिरा दे, किंतु वह पकड़कर उसे ऊपर उठाकर अपना हाथ अपवित्र नहीं कर सकते थे। वह पतितों की छाया से भी दूर रहते थे। अपने निकट संबंधियों की भलाई करने में यदि किसी दूसरे की कुछ हानि भी हो जाए तो इसमें उन्हें अफसोस नहीं होता था। वे सज्जन होते हुए भी सज्जनता के कायल ना थे। कोई उनके साथ बुराई करता तो उसके साथ उसकी दूनी बुराई करने में उन्हें संकोच नहीं होता था। पति पत्नी को अलग अलग खड़ा करके यदि ढूंढा जाता तो अवगुण के नाम से उनके उनमें तिल के बराबर भी धब्बा ना मिलता। बाह्य जगत में उनकी तरह सफल जोड़ा, उनके सदृश सुखी जीवन कदाचित बहुत कम देख पड़ता। दूसरों को भी उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या होती। उनमें आपस में कभी किसी प्रकार का झगड़ा या अप्रिय व्यवहार ना होता। फिर भी दोनों में पद पद पर मतभेद होने के कारण उनका जीवन सुखी ना रह पाता। शाम सुबह निर्मला दोनों समय घर के कामकाज के बाद 2 मील तक घूमने के लिए जाती थी। इसके शुद्ध वायु के साथ साथ कुछ समय का एकांत उसे कोई नई बात सोचने या लिखने के लिए सहायक होता, किंतु निर्मला की सास को बहू की यह हवाखोरी न रुचती थी। उन्हें यह संदेह होता कि यह घूमने के बहाने न जाने कहां कहां जाती होगी, ना जाने किस किस से मिलकर क्या क्या बातें करती होगी। प्रायः वह देखा करती कि निर्मला किधर से जाती है और कहां से लौटती है। एक बार उन्होंने पूछा भी, तुम गई तो इधर से थी और लौटी कहीं और से। निर्मला क्या जवाब देती, हंसकर रह जाती, किंतु निर्मला की सास बहू की इस चुप्पी का दूसरा ही अर्थ लगाती। उन्हें निर्मला का आचरण पसंद था, उसके चरित्र पर उन्हें पद पद उन्हें निर्मला का आचरण पसंद ना था, उसके चरित्र पर उन्हें पद पद स्नेह होता, किंतु इन मामलों में जब वह स्वयं रमाकांत को ही उदासीन पाती तो उन्हें भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता। क्योंकि रमाकांत के सामने भी निर्मला घूमने निकल जाती और घंटों बाद लौटती। अन्य पुरुषों में उनके समान की स्वच्छंदता पूर्वक बातचीत करती, परंतु रमाकांत इस पर उसे जरा भी न दबाते। किंतु कभी कभी जब उनसे सहन ना होता तो वह रमाकांत से कुछ ना कुछ कह बैठती, और तो भी वे यही कह देते, इसमें क्या बुराई है, टाल देते। उनकी समझ में रमाकांत इस प्रकार माँ की बात ना मानने के लिए ही पत्नी को शह देते थे। इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से निर्मला को अधिक कुछ ना कह पाती, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से कुत्ते बिल्ली के बहाने ही सही अपने दिल का गुबार जरूर निकाल लेते। निर्मला सब सुनती और समझती, किंतु वह सुनकर भी अनसुना कर देती और जानकर भी अनजान बनी रहती। वह अपना काम नियम पूर्वक करती रहती। इन बातों का उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। कभी कभी उसे कष्ट भी होता, किंतु वह उसे प्रकट न होने देती। वह सदा प्रसन्न रहती, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर शिकन न आती। वह स्वयं किसी की बुराई न करना चाहती थी, उसके विरुद्ध चाहे कोई कुछ भी करता रहे। एक दिन कॉलेज से लौटते ही रमाकांत ने कहा, आज एक बड़ा विचित्र किस्सा हो गया निर्मला। क्या हुआ? घृणा का भाव प्रकट करते रमाकांत बोले, क्या हुआ? यही कि तुम्हारी बिट्टन को जाने किससे गर्भ रह गया है, और जब अब 4-5 महीने का है। बात खुलते ही आज वह घर से निकाल दी गई। उसके मायके में तो कदाचित कोई है ही नहीं, सड़क पर बैठी रो रही है। बिट्टन बाल विधवा थी, वह जन्म की ही की दुखिया थी, इसलिए निर्मला सदा उससे प्रेम और आदर का व्यवहार करती थी। बिट्टन की करुणा जनक अवस्था निर्मला कातर हो उठी।
उसने रमाकांत जी से पूछा, फिर उसका क्या होगा? अब वह कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी, मैं क्या जानूँ? जैसा किया है वैसा भोगेगी। ओह, निर्मला के मुंह से ठंडी आह निकल गई। कुछ देर बाद ना जाने क्या सोचकर वह दृढ़ स्वर में बोली, तो मैं जाती हूँ, उसे लिवा लाती हूँ। जब तक कोई दूसरा प्रबंध ना हो जाएगा वो मेरे साथ ही रहेगी। घबरा कर रमाकांत बोले, नहीं नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी करना भी मत। उसे अपने घर लाकर क्या अपनी बदनामी करवानी है? तुम्हें तो कोई कुछ ना कहेगा, सब लोग मुझे ही बदनाम करेंगे। निर्मला ने दयाद्र भाव से कहा, अरे तो इतनी छोटी सी बात से क्यों डरते हो? किसी की भलाई करने में भी लोग बदनाम करेंगे तो करने दो। परमात्मा तो हमारे हृदय को पहचानेगा। मुझे तो उसकी अवस्था पर बड़ी दया आती है। तुम कहो तो मैं अभी जाकर उसे लिवा लाऊं। रमाकांत के कुछ कहने से पहले ही उनकी माँ बोल उठी, ऐसी औरतों का तो इसे बड़ा दर्द होता है। घर में बुलाने जा रही है, जाए कहीं भी मुँह काला करे, पर याद रखना, खबरदार जो उसे घर में बुलाया तो। मैं अभी से कह देती हूँ, अगर उस छूत ने घर में पैर भी रखा तो अच्छा ना होगा। निर्मला धीरे से बोली, अगर वह आ ही गई तो क्या करोगे अम्मा जी? अम्मा जी क्रोध से तिलमिला उठी, तड़प कर बोली, मार के लकड़ी पैर तोड़ दूंगी, और क्या करूंगी? तू तो रामू के सिर चढ़ाने से इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही है, सो मैं रामू से डरती नहीं, तेरा और तेरे साथ रामू का भी, दोनों का मिजाज ठंडा कर दूंगी। ऐसी बदसात औरतों की परछाई में रहना भी पाप है, उसे घर में बुलाने जा रही है। निर्मला ने कहा, पर अम्मा जी यदि वह आई तो मैं दूसरों की तरह उसे दरवाजे पर से दुत्कार तो नहीं दूंगी। मैं ये तो कहती ही नहीं कि उसे सदा ही अपने घर में रखा जाए, पर हाँ, जब तक उसका प्रबंध ना हो जाए तब तक वह घर के कोने में पड़ी रहेगी, इसमें कोई हानि तो नहीं है? और कौन वह हमारे चूल्हे चौके में जाएगी? आखिर बेचारी स्त्री तो है, भूले किससे नहीं होती। अम्मा जी क्रोध में आकर बोली, एक बार कह दिया कि उसको मैं घर में नहीं घुसने दूंगी, बार बार जुबान चलाई जा रही है। वह तो अपनी कोई है नहीं, कोई अपनी सगी भी ऐसा करती मैं तो लात मार कर निकाल देती। अब बार बार पूछकर मुझे मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निर्मला ने नम्रता से कहा, पर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी अम्मा जी? मेरे कमरे में पड़ी रहेगी और तुम चाहो तो ऐसा प्रबंध कर दूं कि तुम्हें उसकी सूरत भी ना दिखे। और फिर अभी से उस पर इतनी बहस क्यों? वो तो तब की बात है जब वह आश्रय मांगने आएगी। अम्मा जी का क्रोध बढ़ा और कहने लगी, तेरे कमरे में रहेगी और मुझे उसकी सूरत ना दिखे तो क्या दूसरी बात हो जाएगी? कैसी उलट फेर की बातें करती है। तुझे अपने पढ़ने लिखने का घमंड हो तो उस घमंड में ना भूली रहना। ऐसी पढ़ी लिखियों को मैं कौड़ी के मोल के बराबर भी नहीं समझती। धर्म कर्म से तो सदा 100 गज दूर, और ऐसे कुजात औरतों पर दया करने चली है धर्म कमाने। वाहरी औरत, जिसे मोहल्ले भर में किसी ने अपने घर ना रखा उसे वह अपने घर में रखेगी। तू ही तो दुनिया भर में अनोखी है ना, सब दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी दयावंती है। जो भीतर का हाल ना जाने उसके सामने इतनी बन, घर वालों को तो काटने दौड़ेगी और बाहर वालों को गले लगाते फिरेगी। निर्मला भी ज़रा तेज होकर बोली, तो अम्मा जी मुझे इतनी खरी खोटी क्यों? बीच ही में निर्मला को डांटकर चुप कराते हुए रमाकांत बोले, तो तुम चुप ना रहोगी निर्मला? कब से सुन रहा हूँ कि जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। तुम्हें हृदय में बिटन के लिए बड़ी दया है तो तुम उसके लिए मरी जाती हो तो जाओ, उसे लेकर किसी धर्मशाला में रहो, मेरे घर में उसके लिए जगह नहीं है। निर्मला को भी अब क्रोध आ चुका था, उसने भी उसी प्रकार तेज स्वर में कहा, तो क्या इस घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि यदि मैं चाहूं तो किसी को 2 दिन के लिए ठहरा सकूं?
अभी उस दिन तुम लोगों ने बाबू राधेलाल जी को इतना आदर सम्मान क्यों किया था? उनके चरित्र बारे में कौन नहीं जानता? उनके घर में तो वेश्याएं रहती हैं, वह उनके हाथ का खाते पीते भी हैं। फिर बेचारी बिट्टन ने इससे कुछ ज़्यादा अपराध किया है क्या? अम्मा जी गरज उठी। अब उनका साहस और भी बढ़ गया था, क्योंकि अब रमाकांत जी निर्मला को डांट चुके थे। वे बोली, चुप रह, नहीं तो जीभ पकड़ कर खींच लूंगी। बड़ी बिट्टन वाली बनी है, बेचारी बिट्टन। तू भी बिट्टन सरीखी होगी, तभी तो उसके लिए मरी जाती है। जो सती होती हैं वे तो ऐसी औरतों की परछाई, जो सती होती हैं वो ऐसी लोगों की परछाई भी नहीं छूती। और तू राधेलाल के लिए क्या कहा करती है? वह तो फूल भर का भंवरा है, आदमी की जात है, उससे सब शोभा देता है। एक नहीं 20 औरतें रख ले, और औरत आदमी की बराबरी कैसे कर सकती है? निर्मला ने सतेज और दृढ़ स्वर में कहा, बस अम्मा जी, अब मैं ज़्यादा सुन ना सकूँगी। मैं बिट्टन सरीखी हूँ या उससे भी बुरी, किंतु समय वह निराश्रिता है, कष्ट में है। मनुष्यता के नाते मैं उसे आश्रय देना अपना धर्म समझती हूँ और दूंगी। अब रमाकांत जी को बहुत क्रोध आ गया। वे कमरे से निकलकर आंगन में आ गए और आग्ने नेगरों से निर्मला की ओर देखते हुए बोले, क्या कहा? तुम बिट्टन को इस घर में आश्रय दोगी? निर्मला भी दृष्टर से बोली, जी हाँ, जितना इस घर में आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। यदि आप अपने किसी चरित्रहीन पुरुष मित्र को आदर और सम्मान के साथ ठहरा सकते हैं, तो मैं भी असहाय अबला को कम से कम आश्रय दे सकती हूँ। रमाकांत निर्मला के और भी नज़दीक आकर कठोर स्वर में बोले, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम यहाँ उसे आश्रय दोगी? निर्मला ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, मेरी इच्छा का भी तो कोई मूल्य होना चाहिए, या मेरी इच्छा सदा ही आपकी इच्छा के सामने कुचली जाएगी? अब रमाकांत जी अपना क्रोध को संभाल न सके और पत्नी के मुंह पर 3-4 तमाचे तड़ातड़ जड़ दिए। निर्मला की जुबान बंद हो गई। बाबू रमाकांत क्रोध और ग्लानी के मारे कमरे में जाकर अंदर से सांकल लगाकर सो गए। अम्मा जी दरवाजे पर रखवाली के लिए बैठ गई कि कहीं बिट्टन किसी दरवाजे से भीतर ना आ जाए। इस घटना के लगभग 1 घंटे बाद बिट्टन को जब कहीं पे भी आश्रय नहीं मिला, तब उसने एक बार निर्मला के पास भी जाकर भाग्य की परीक्षा करनी चाहिए। दरवाजे पर ही उसे अम्मा जी मिली। बिट्टन को देखते ही वह कड़ी ललकार के साथ बोली, कौन है? बिट्टन दूर, उधर ही रहना। खबरदार जो कहीं दहली के भीतर पैर रखा तो। बिट्टन बाहर ही रुक गई। निर्मला पास पहुंचकर शांत और कोमल स्वर में कहती हुई कि बिट्टन बाहर ही बैठो बहन, वहीं मैं तुम्हारे पास आती हूँ, दहली से बाहर निकल गई। बिट्टन और निर्मला दोनों बड़ी देर तक लिपट कर रोती रही। निर्मला ने कहा, तुम्हारी ही तरह मैं भी बिना घर की हूँ बहन, यदि इस घर पर मेरा कुछ भी अधिकार होता तो मैं तुम्हें इस कष्ट के समय में कभी नहीं जाने देती। क्या करूँ, विवश हूँ, किंतु तुम मेरा ये पत्र लेकर मेरे भाई ललित मोहन के पास जाओ, वे तुम्हारा सब प्रबंध कर देंगे। उनका स्थान तो तुम जानती हो, पर रात के समय पैदल जाना ठीक नहीं, ये रुपया लो, तांगा कर लो। ईश्वर पर विश्वास रखना बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा देता है। निर्मला ने 10 रुपये बिट्टन को दिए, वह पत्र लेकर चली गई। निर्मला घर में आई, एक चटाई डालकर बाहर बरामदे में ही पड़ रही। सवेरे उसकी आंख उस समय खुली जब रमाकांत उठ चुके थे और उनकी माँ नहाकर पूजा करने को तैयार थी। निर्मला नित्य की तरह उठकर घर का सब काम करने लगी, जैसे शाम की घटना की उसे कुछ याद ना हो। यदि वह मार खाने के बाद कुछ अधिक भगचग करती, रोती चिल्लाती,
तो कदाचित इस तरह हरकत पर रमाकांत जी को इतना पश्चाताप ना होता जितना अब हो रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लगता था कि निर्मला ठीक थी और वे भूल पर थे। उनसे ऐसी भूल और कभी ना हुई थी। कल ना जाने क्यों और कैसे निर्मला पर हाथ चला बैठे थे। उनका व्यवहार उन्हीं को सौ सौ बिच्छुओं के दर्शन की तरह पीड़ा चुभा रहा था। वे अवसर ढूंढ रहे थे कि कहीं निर्मला उन्हें एकांत में मिल जाए तो वह पश्चाताप के आंसुओं से उसके पैर धो दें और उसे क्षमा मांग लें। किंतु निर्मला भी सतर्क थी, वह ऐसा मौका ही ना आने देती। वह बहुत बच बच कर घर का काम कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन ना था कि अब उसके व्यवहार में हुकूमत की झलक ना थी। उसके चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन ना था, ना तो यही प्रकट होता था कि वह खुश है और ना ये प्रकट होता था कि वह नाराज है। हाँ, उसमें एक ही परिवर्तन था कि वह अब उसके व्यवहार में हुकूमत की झलक ना थी। वह अपने को उन्हीं दो तीन नौकरों में से एक समझती थी जो घर में काम करने के लिए होते हैं, किंतु उनका अधिकार नहीं होता। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा कहानी पढ़ना पसंद आया होगा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए फ्राइडे फेबल्स पे। धन्यवाद। नमस्कार।